भक्ति करने आए। भक्ति का मतलब है जैसे सोने में अलॉय मिक्स होता है तो उस सोने को भट्टी में डालते हैं, तो भट्टी माना अग्नि, आग में डालते हैं और उसको बहुत ज्यादा आग करके उसको गोल्ड को गलाते हैं, और जब उसको गलाते हैं तो उसमें जो भी अलॉय है मिक्स है वो खत्म हो जाता है, निकल जाता है और जो प्योर सोना अलग हो जाता है, तो उसको कहते हैं भट्टी। जब कपड़ा मैला हो जाता है तो हम नहीं धो सकते तो क्या करते हैं, धोबी को देते हैं। तो धोबी क्या करता है, उस मैले कपड़े को एक बर्तन में डाल के उसको पकाता है, वहां भी आग भट्टी में डालता है, उसको भी कहते हैं। तो उससे क्या होता है, वो कपड़े का जो मैल है वो निकल जाता है, उसको छाटा मार करके भी उसको शुद्ध करता है। ठीक इसी तरह से ईंट बनता है ना, जब ईंट बनता है तो ईंट मट्टी सब पानी सब डाल के मिला करके उसको क्या करते हैं, एक सांचे में डालते हैं, सांचे में डाल करके उसको पका भट्टी में, उसको भी कहते हैं भट्टी में डाल, जैसे ब्रेड को भी भट्टी में पकाते है ना। भट्टी माना पकाना, भक्ति माना अलाय को निकालना, भट्टी माना शुद्ध होना, पवित्र होना, पक्का होना, पक के तैयार होना, उसको कहते हैं भट्टी। तो आज हम सभी भट्टी में आए हैं, तो बहुत बहुत सिंपल टॉपिक के ऊपर आज हम भट्टी करेंगे। सो नावेला भट्टी बंदी थी, भट्टी अंतर ಏನು, ಯಾವಾಗ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಭಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ। ಆನಂತರ ಬಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಕೊಳೆ ಆದ್ರೆ ಧೋಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕೊಳೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೆ ತಯಾರ್ ಮಾಡೋರು ಸಹ ಇಟ್ಕೆನ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ತಾರೆ। ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಭಟ್ಟಿ, ಭಟ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೇನೆ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಭಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೇನೆ ಪರಿಪಕ್ವ ಆಗೋದು, ಭಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೇನೆ ಪಕ್ಕ ಆಗೋದು, ಭಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೇನೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋದು। ಸಮಜ್ ಬರೇನು? तो आज हम सभी भट्टी में आए हैं, तो बहुत बहुत सिंपल टॉपिक हम आज लेते हैं। हम सभी कोर्स लिया है, जिसने कोर्स नहीं लिया है हाथ उठा, सभी का कोर्स हुआ है लेकिन मेरा कोर्स नहीं हुआ है। मुझे कोई कोर्स में कोर्स नहीं कराया है, क्योंकि हम लोग बचपन में आते थे, बच्चों को कोई कोर्स यहाँ ही संजय शिवाजी नगर में ही हम लोग आते थे। चलो, लेकिन सभी को कोर्स हुआ है, कोई क्लास में कोर्स में आने के लिए किसी को कोई पैम्पलेट दिया होगा, पैम्पलेट लेके आते हैं, नोटिस लेके आते हैं, या कोई को कोई बुला के लाते हैं, कोई सेंटर में कोर्स किसका चलता है, किसका जन्म ट्रेन में होता है, ट्रेन में पैसेंजर्स एक दो को परिचय कराते हैं, बाबा का परिचय देते हैं, ऐसे परिचय मिलते हैं, कई उनको बस में मिलता है, कई उनको रेलवे स्टेशन में, कई उनको कहाँ, कई और कई उनका ऐसा भी जन्म होता है कोई टोली खा के फेंका हुआ रहता है हमारा पैम्पलेट, वो पैम्पलेट देख करके भी कोई कोई ज्ञान में आते हैं। हर एक का जन्म अपना अपना, जैसे हर एक का पाठ अपना अपना, ऐसे ज्ञान का जन्म भी सभी का अलग अलग होता है। तो जैसे हम कोर्स में आते हैं तो कोर्स में पहले हमको क्या सिखाया जाता है, क्या क्या सिखाते हैं कोर्स में? आत्मा, आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, धर्म का परिचय, सृष्टि चक्र का परिचय, आदि मध्य अंत का, और तीन लोक और
अभी सात दिन का कोर्स सात शब्दों में मैं सुनाती हूँ, ठीक है? सेल्फ रियलाइजेशन, दूसरा गॉड रियलाइजेशन, तीसरा ड्रामा, चौथा कर्म, पांचवा समय, फिर छठवा मुक्ति जीवन मुक्ति, और सातवा धारणा। ओके, सात बातें। तो ये सात दिन का कोर्स हम दूसरों को कराते हैं, लेकिन आज इन्हीं सात बातों को लेकर के हम भक्ति करेंगे। तो पहला दिन का कोर्स हम क्या कराते हैं? सेल्फ रियलाइजेशन। मैं कौन हूँ, हम कहाँ से आए, आत्मा का, पहले मैं कौन हूँ, आत्मा और शरीर का डिफरेंस सुनाते, फिर आत्मा का रूप सुनाते, आत्मा का शरीर में स्थान सुनाते, आत्मा का गुण सुनाते, आत्मा का घर सुनाते, आत्मा का कर्तव्य सुनाते। ये सब बातें हम फर्स्ट डे कोर्स में दूसरों को भी देते, वही हम लोगों ने भी समझा है। आज वो आत्मा का जो परिचय है, उस परिचय के स्वरूप में टिकेंगे। हम सभी जानते हैं हम सब आत्मा है, हम यह शरीर नहीं है। जब हम अपने को आत्मा बिंदु समझेंगे, तभी हमारे गुण हमको दिखाई देंगे। जब तक हम बॉडी कॉन्शियस में रहेंगे, देह के अभिमान में रहेंगे, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಗುಣ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಇಸ್ಲೇ ಬಾಬಾ ಕಹತೆ ಅಪನೆಕೋ ಆತ್ಮ ಸಮಜ್ ಬಾಪಕೋ ತೋ ಪಹಲೆ ಹಮಕೋ ಮೈ ಕೌನ್ ಹೂ ಮೈ ಆತ್ಮ ಹೂ ಮೇರಾ ಆತ್ಮ ಕಾ ಸ್ವರೂಪ ಜೋ ಹೈ ಬಿಂದು ಹೈ ಜ್ಯೋತಿ ಹೈ ಔರ್ ಮೇರೆ ಆತ್ಮ ಕೆ ಗುಣ ಜೋ ಹೈ सात गुण है, याद है ना? आत्मा का गुण ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति। ये सात आत्मा के विशेष गुण है। तो हम दूसरों को आत्मा का परिचय देते हैं, आत्मा के गुणों के बारे में सुनाते हैं कोर्स में, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, उन सातों स्वरूपों को अनुभव करेंगे। उसको बाबा कहते हैं स्वमान। बाबा ने हम बच्चों को स्वमान दिया। कितने सारे स्वमान है आप गिनती नहीं कर सकते। हर रोज की मुरली में बाबा हमको स्वमान देता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और महान आत्मा हूँ, भाग्यशाली आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, देवता स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, संतुष्ट मणि तृप्त आत्मा हूँ, खुश नसीब आत्मा हूँ, विजयी रतन हूँ, प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, सर्वशक्ति आ गया, रिपीटेशन नहीं, विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, स्वपरिवर्तक हूँ, संतुष्ट। हमारी दादी, दो दादी का बहुत प्यारा स्वमान, दादी कहती थी राम की सच्ची सीता, भागीरथ की जटाओं से निकली हुई ज्ञान गंगा हूँ। कितने बड़े बड़े टाइटल्स बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं। तो ये है हमारे निजी स्वमान। तो अभी हम सभी उसी स्वमान में अनुभव करेंगे।
ಇಷ್ಟೊತ್ತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ಅಬ್ಬಿ ಚಲಿಯೆ ಹಮ್ ಸಭಿ ಅಪನೆ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಕಾ ಅಪನೆ ಸ್ವಮಾನ್ ಕಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾ ಅನುಭವ ಕರೆಂಗೆ ज्योतिर्बिंदु मन बुद्धि संस्कार सहित हूँ चैतन्य शक्ति हूँ स्वरूप आनंद स्वरूप शक्ति स्वरूप पवित्रता में स्वधर्म शांत स्वरूप आत्मा शांति मेरा स्वधर्म विशेष आत्मा
अनंत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप मेरी आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप सुख स्वरूप आनंद रूप मेरी आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। बिना कोई भी मैं पहचान किंतु स्वरूप मेरी आत्मा दूसरे दिन में परमात्मा का परिचय देते हैं, गॉड रियलाइजेशन। तो गॉड रियलाइजेशन में हम परमात्मा के सारा परिचय देते हैं, परमात्मा का नाम रूप देश भाव गुण कर्तव्य और संबंध। तो परमात्मा का नाम सदाशिव, रूप ज्योति बिंदु और गुण सर्वगुणों के सिंधु सर्वगुणों के सागर, देश परम धाम, कर्तव्य पतितों को पावन बनाना और समय कलयुग के अंत सतयुग के आदि कल्याणकारी पुरुषोत्तम संयुग और संवर्ग। तो परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, हम उसके बच्चे हैं। तो ये हम सभी को सुनाते हैं। देखिए बाबा ने हम बच्चों को कहां कहां से निकाला। आज दुनिया की आबादी कितनी है? 7.5 करोड़, 750 करोड़, 750 करोड़ है। 750 कोटि ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸಿ ತನ್ಮಗು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಬಾಬಾ 750 ಕರೋಡ್ ಆತ್ಮಾವೋ ಚುನ್ ಕರ್ಕೆ ಅಪ್ಪನ ಬಚ್ಚಾ ಬನಾಯಾ। ತೋ ಭಗವಾನ್ ನೇ हमको रिकग्नाइज किया, पहचाना, यही मेरे राजयोगी बच्चे हैं, यही मेरे राजा बच्चे हैं, यही मेरे सिद्धत्वनशीन बच्चे हैं। तो बाबा ने हम सभी को पहचाना और अपना बच्चा बनाया। तो बाबा सिर्फ हमको बाप नहीं है, सर्वसंबंधी है। तो मेन बाबा के साथ हमारा तीन संबंध मेन, एक बाप का संबंध, बाप बन के हमको जन्म दिया ना, हमारा अलौकिक जन्म हुआ ना,
शूद्र से हम क्या बने, ब्राह्मण बने। तो फिर बाबा ने बाप के रूप में हमको जन्म देके बसा दिया, सर्वगुण सर्वशक्तियां, और बाबा आने वाले दुनिया में भी हमको राजा बनाने वाले हैं। तो ये वर्षा बाप से, तो एक पहला बाप का संबंध। दूसरा संबंध, रोज बाबा हमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, शिक्षक बन करके शिक्षा देता है। बाबा की मुरली क्या है, पढ़ाई है ना, शिक्षा है ना। रोज बाबा, हम कभी कभी छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन बाबा कभी छुट्टी लिया है नहीं। कितना दूर से बाबा आकर के हम बच्चों को टीचर बन करके पढ़ाते हैं। तो शिक्षक का संबंध। तीसरा संबंध है गुरु का संबंध, सतगुरु। तो सतगुरु बाबा हम बच्चों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वस्तु देते हैं। साथ साथ सिर्फ ये तीन संबंध नहीं, बाबा के साथ हम सर्व संबंध जोड़ सकते हैं। वह हमारा वारिस भी है, हमारा बच्चा भी है, हमारा सखा भी है, सहजन है, प्रियतमा है ना। बाबा हमारा प्रीतम है, हम उनकी प्रियतमा है। तो बाबा आत्मराम है, हम उनकी सीता है। तो बाबा के साथ हम सर्व संबंध जोड़ते हैं। तो पहला दिन के कोर्स में स्वमान का हम अनुभव किया, अभी बाबा से सर्व संबंध जोड़ करके बाबा के साथ संबंध का। जहां हमारा संबंध पक्का रहता है तो कोई भी बात हमको डाउन नहीं कर सकती। कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, बाबा मेरे साथ है, भगवान मेरा साथ है, तो बड़ी बात क्या है, कुछ भी। कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, बाबा के साथ हम संबंध जोड़ा है। लेकिन आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि बाबा को प्यार करते बच्चे प्यार निभाते नहीं, निभाना है। प्यार कैसे निभाएंगे, बाबा को सदा साथ रखेंगे, हर बात बाबा से हम शेयर करेंगे। अभी लौकिक में पति होता है, माँ बाप होते, तो माँ बाप से या पति से हम हर बात शेयर करके करते हैं, छोड़ करके करते हैं नहीं ना। कुछ भी आप लोगों को पूछो, घर में बच्चों को पूछना है, पति को पूछना है, माँ बाप को पूछना है, ये तो कहेंगे। तो हमारे सच्चे माता पिता, बंधु सखा, भाई हो, फ्रेंड हो, सब कुछ बाबा है। तो पहले बाबा के साथ हमको संबंध जोड़ के संबंध निभाने, चलिए बाबा के साथ संबंध जोड़ेंगे। Thank you.
मीठे बाबा, आप ही में सच्चे सच्चे पाप सचमुच
परमात्मा का प्यार के आगे सब कुछ फीका ही लगेगा, क्योंकि परमात्मा का प्यार, सच्चा प्यार, अविनाशी प्यार, निस्वार्थ प्यार परमात्मा का है। तो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से एक शक्ति हमको प्राप्त होती है, जिससे हम कोई भी प्रकार की परिस्थिति को पार करना सहज हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा? नहीं रोकेगा। लेकिन साथ रखना है, साथ निभाना है। तीसरे दिन ड्रामा का ज्ञान देते हैं, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये चारों युगों का ये चक्र 5000 साल का, जैसे 7 दिन होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे आ जाएगा, है ना? तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो ऐसे ये सृष्टि चक्र भी एज इट इज रिपीट होता रहता है, चक्र घूमता रहता है। तो जो पिछले कल्प में हुआ था, अभी वही हो रहा है, फिर अगले कल्प में भी कोई वही होगा। तो इसलिए हमको चिंता करने की बात ही नहीं है। तो कोई भी परिस्थिति आती है, पिछले कल्प में चला था वही अभी चल रहा है ना? तो वो मुझे अभी डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि जो हुआ है वही रिपीट हो रहा है, नया कुछ भी नहीं है। इसलिए कहते हैं नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। तो इसलिए वो ड्रामा के ज्ञान को जीवन में लाने के लिए, ड्रामा को याद करने के लिए बाबा हम बच्चों को 5 स्वरूप को बार बार याद करने का ड्रिल सिखाया। तो ड्रिल में हम क्या करते हैं, अनादि स्वरूप को याद करेंगे। अनादि स्वरूप कौन सा है? शांति धाम। और आदि स्वरूप सतयुग। फिर पूज्य स्वरूप देवता स्वरूप को याद करते, फिर ब्राह्मण स्वरूप, ब्राह्मण से फिर परिष्ठा, सो देवता। तो ये 5 स्वरूप का अनुभव करने के लिए तीसरे दिन के कोर्स में हम सृष्टि चक्र के बारे में, 84 जन्मों के बारे में सभी को सुनाते हैं। चले 5 स्वरूप का अनुभव करने। Oh,
Thank you.
सृष्टि चक्र को घूम के आए, पांचों स्वरूपों को याद किया, उस स्थिति का अनुभूति किया। अभी नेक्स्ट का दिन खा रहा हूँ। बाबा ने हम बच्चों को कर्म का ज्ञान दिया। कर्म में भी तीन प्रकार का कर्म है ना, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति बाबा ने सुनाया। कर्म माना एक्शन, कर्म माना कर्तव्य, कार्य मारती वाला अधिक कर्म। उसमें ना सुख है ना दुख है, ना सिर्फ कर्म कर। देखना भी एक कर्म है, बोलना भी एक कर्म है, सोना भी एक कर्म है, चलना भी एक कर्म है, श्वास लेना भी कर्म है। अकर्म अकर्म सतयुग त्रेता में होते हैं, जिस कर्म का कोई फल नहीं होता है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। वहां न पाप बनता है न पुण्य बनता है, तो उसको कहेंगे अकर्म। और द्वापर कलयुग में हम जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म ही बनता जाता है, क्योंकि द्वापर और कलयुग को समय ही ऐसा है, वातावरण ही ऐसा है, तो उसमें जो भी हम करते हैं वो उल्टा ही होता है, क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है। नॉलेज के आधार पर हम नहीं कर रहे हैं, नॉलेज के बिना करते हैं। कोई भी बात में वशीभूत होकर के करते हैं। कलयुग में जो भी हम कर्म करते हैं कोई अपेक्षा रख करके करते हैं, इच्छा रख करके करते हैं, तो इसलिए हम अच्छा भी करते हैं ना वो बुरा बन जाते हैं, क्योंकि अपेक्षा रख रहे हैं। स्वार्थ कर्म हो जाता है, जहाँ स्वार्थ है वहाँ प्राप्ति नहीं होती है ना। इसलिए बाबा हमको कर्म सिखाया निस्वार्थ कर्म, निष्काम सेवाधारी बन। भले हम निष्काम सेवाधारी नहीं बन सकते, एक शिव बाबा ही निष्काम सेवाधारी है, लेकिन हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमको मिलता है, उस फल का हम अनुभव भी करते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी अपेक्षा नहीं। आज दुनिया में भी हम देखेंगे ना, माँ बाप अपने बच्चों को पालना देते हैं, कहते मेरे मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब मेरे बच्चे मुझे पालेंगे, ये अपेक्षा रख करके बच्चों को पालना दे रहे हैं आजकल के माँ बाप। लेकिन ये भी हम सीन देखते हैं, बच्चे चले जाते हैं, माँ बाप रह जाते हैं, उसको देखने वाला भी कोई नहीं आता है। क्यों? अपेक्षा के साथ हम कर्म करेंगे ना तो उसका फल हमको नहीं मिलता है। तो ये बाबा ने हमको कर्म का ज्ञान, संगम युग पर ज्ञान के आधार से हम कर्म करते हैं वह कर्म सुकर्म बनता है, सुख देने वाला कर्म। देखिए बाबा ने हम बच्चों को कितना अच्छा कर्म का ज्ञान दिया। जो भी आप सोचो अच्छा सोचो, कोई बुरा भी आपको करे लेकिन आप अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा कर्म करो, तो उसका फल हमको अच्छा ही मिलेगा। इसलिए कहते हैं ना, जैसा कर्म हम करेंगे उसकी भोगना हमको ही, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने हम बच्चों को सिखाया अच्छा सोचो, शुभ भावना शुभ कामना, कोई बुरा भी करे हमको भले, नो प्रॉब्लम। एक मेरे को याद आता है हमारी गुलजार दादी जी का क्लास, दादी हमेशा कहती थी जब एक पॉट में हम गुलाब का फूल का पौधा डाला है तो उस गुलाब के फूल के पौधे में हम क्या डालते हैं, गोबर, गोबर डालते हैं। तो दादी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, जब आप गोबर डालते हो नाक ऐसा बंद करके गोबर डालते हो तो वो पौधा हमारी रचना है,
और उस पौधे में इतना ज्ञान है, जो हमने गोबर डाला उस गोबर से उसने खुशबू निकाल के हमको फूल दिया और उस फूल को हम नापने लगे। हमारी रचना में इतना ज्ञान है, जो हम गोबर डालते उस गोबर से भी उसने क्या किया, खुशबू लेकर के हमको खुशबू दिया। तो हमको क्या बन रहे, देखिए हमारी रचना में ही इतना। तो इसलिए बाबा ने हमको यही सिखाता है, जिसके पास जो रहता है ना वही देता है। अभी आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते, घर में कुछ भी नहीं है, दूध रखा है, तो आप दूध ही ऑफर करेंगे ना, चाय कॉफी के, तो उस समय आप ब्रह्मा भोजन थोड़ी ऑफर करेंगे, वहाँ बना ही नहीं है तो क्या कहलाएंगे। घर में फल भी नहीं है, दूध है से, तो दूध ही तो ले देंगे ना। तो इसी तरह से जिसके पास जो है वही देगा। उसके पास नेगेटिव भरा हुआ है, नेगेटिव है, वो नेगेटिव ही देगा। हम इतने साल से ज्ञान में है लेकिन इनका शब्द ऐसा है, इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन ये ऐसा चल रहे है। हाँ, उसने जो सीखा है वही तो करेगा। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को हमेशा कहते, सी फादर, किसी सहोदर माना कोई भी बहन भाई को नहीं देखना है, फॉलो ब्रदर, फॉलो सिस्टर, खत्म। बाबा ने कहा है फॉलो फादर, फॉलो मदर, मम्मा बाबा को फॉलो करो, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, निराकार में शिव बाबा को फॉलो करो, साकार में मम्मा बाबा को फॉलो करो, और किसी को भी नहीं देखो। वास्तव में देखा जाए, जब हम सभी ज्ञान में आते हैं तभी हम ये नहीं सोचते कि कौन कौन आ रहा है, कौन कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कुछ भी नहीं सोचते हैं। हम आते अपने लिए, अपने लिए आते, अपने लिए कोर्स करते हैं, अपना जीवन बनाने के लिए रोज क्लास अटेंड करते, थोड़े दिन के बाद ही हम दूसरों को देखना शुरू कर देते। तो बाबा ने हमको क्या सिखाया, बाबा को देखो, बाबा को फॉलो करो। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते सदा अपने कर्म पर अटेंशन। जो ब्रह्मा बाबा ने ये स्लोगन सदा याद किया, सदा बाबा ने कर्म मिलाया, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और धरे भाई, तभी बाबा नंबर वन बने ना। ब्रह्मा बाबा नंबर वन कैसे बने, इस तो हमने अभी कर्म के बारे में अभी स्वरूप में बैठेंगे। मीठे बाबा आपने हम बच्चों को ऐसा कर्म सिखाया जो हर कर्म श्रेष्ठ बनाए, हर कर्म सुखदायी कर्म बना। प्यारे बाबा आपने इतना ज्ञान, जैसी हमारी वृत्ति वैसी हमारी दृष्टि, वैसा ही हमारा बोल और कर्म। ज्ञान सागर बाबा ने इतना श्रेष्ठ कर्म से एक का पदम गुना जमा होता है।
बढ़ाने का ज्ञान देकर प्रैक्टिकल में अनुभव कराया। इतना श्रेष्ठ ज्ञान जो कोई साधु सन्यासी भी नहीं दे सकते, इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित को भी नहीं है। ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान शक्ति शेष बनेंगे, हमारे शिष्य बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। हमारे शिष्य बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। इतना श्रेष्ठ कर्म सिखाया, इतना लायक बनाया जो माँ बाप भी इतनी पालना नहीं दे सकते। क्या क्या नहीं बाबा मुझे सिखाया, कैसे सोचना, कैसे चलना, कैसे
कैसे उठना, कैसे बोलना, कैसे खाना, हर कर्म का टीचिंग्स बाबा ने हमको दिया। तो बाबा को कितना धन्यवाद करें ऐसी पालना के अधिकारी हम बच्चे बने हैं, तो हम कितने भाग्यवान। स्वयं भगवान हमको कर्म सिखा रहा है, स्वयं भगवान हमारी पालना कर रहा है, स्वयं भगवान हमको उठाने आता है, रोज रोज भोजन खिलाता है, कितना प्यार करते हैं। आज दुनिया वाले प्यार के पीछे कितना पागल है, लेकिन बाबा हम बच्चों को इतना प्यार देता है, इतना प्यार देता है, तो कोई मनुष्य दे नहीं सकता। ये हम सभी को अनुभव, क्योंकि हम सभी ने ज्ञान को जीवन में लाया है, बाबा को अपना बनाया है, तो ये सब हम अनुभव कर रहे हैं। नेक्स्ट समय का ज्ञान, पांच समय का ज्ञान हम सभी को देते हैं। संगम युग का समय है, तो ये समय तपस्या का समय है, क्योंकि सारे कल्प के पार्ट को अभी हमारे हाथ में लिखने का कलम भगवान ने दे दिया है। बाबा कहते हैं अपने भाग्य आप अपने आप लिख सकते हैं, भाग्य का कलम भगवान ने हम बच्चों के हाथ में दिया। भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्मा ने इनका भाग्य ऐसा ही सिखाया, लेकिन भगवान कहते मैं आपके हाथ में कलम दे दिया है, आपको जितना चाहे उतना भाग्य की रेखा को खींच दे जाए। तो ये समय है संगम युग का समय। हम कोर्स कराते समय भी सभी को क्या कहते हैं, अभी कलयुग का अंत हो रहा है, रावण राज्य मिट रहा है, अभी सती की नई दुनिया आने वाली है, तो ये अंतिम समय है। तो सिर्फ उनको अंतिम समय नहीं, हमको भी अंतिम समय। तो अभी हम समय को बहुत बहुत वैल्यू देंगे। जब हम समय को वैल्यू देंगे तो समय हमको वैल्यू देगा। जब हम समय को कैसे वैल्यू देंगे, समय का वैल्यू हम कैसे देंगे, जो भी हम कर्म करते हैं समय पर करें। पहले से टाइम फिक्स करो, इस टाइम से इस टाइम तक मुझे ये कार्य करना है, माने करना ही है। तो क्या होता है, जब हम संकल्प करेंगे ना, तो समय से पहले आपका कार्य हो जाता है, परंतु ये बहुत बहुत दिन का अभ्यास है, एक दिन में आने वाला नहीं है। जो भी कर्म अभी आपको कोई भी कहेंगे इस टाइम पर आपको वहां पहुंचना ही है, कुछ भी हो जाए तब देखना। स्टार्टिंग थोड़ा हमको तकलीफ होगा, लेकिन वो करते करते ना आदत पड़ जाएगा, और फिर उस समय क्या होता है पता है, समय आपका इंतजार करेगा। कई अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने कहा है, समय आपका टीचर है या बाबा आपका टीचर है। तो समय के पहले हम तैयार हो जाएंगे तो बाबा हमारा टीचर है, लेकिन समय के बाद हम तैयार होंगे, समय पर तैयार होंगे, तो वो समय को चला जाएगा मार्क्स। जब हम बाबा को टीचर बनाया है तो समय के पहले हमको तैयार होना है, समय के पहले जब हम तैयार होंगे तो उसका मार्क्स हमें मिलता है, क्योंकि बाबा टीचर है, हमको मार्क्स दे देगा। लेकिन समय के बाद वो टाइम पूरा होने के बाद मैं करना चाहूं या कर लूं, तो हम समय को वैल्यू नहीं दिया है, तो मार्क्स किसको जाएगा, समय को जाएगा। तो समय हमारा टीचर नहीं है, बाबा हमारा टीचर है। तो समय से पहले कोई भी कार्य, आप जो समय फिक्स होता है उससे पहले, एक मिनट पहले, दो मिनट पहले आप करके देखो, तो कोई भी कार्य आप करना चाहते हो ना, तो समय आपको सही हो देगा, क्योंकि समय भी हमारी ही रचना है ना, हम ही रचते हैं। घड़ी हम अपने हाथ में पहने हैं, घड़ी के हाथ में हम नहीं है, किस समय क्या करना है। टाइम टेबल, बड़े लोगों का टाइम टेबल फिक्स होता है, आज इस स्थान पर नाश्ता है, इस स्थान पर स्पीच है, इस स्थान पर यहाँ जाना है,
उनका हर टाइम टेबल, हर सेकेंड का टाइम टेबल पॉलिटिशियंस का देखते हैं ना, फिक्स होता है। तो बाबा कहते हैं वो तो सिर्फ वीआईपी है, वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन है, लेकिन आप बच्चे कौन? वीवीआई। सिर्फ कह के खुश होने के लिए वीआईपी नहीं है, हम सचमुच वीवीआईपी है, क्योंकि समय को वैल्यू देने वाले हैं। तो ये समय कौन सा चल रहा है? तपस्या का समय चल रहा है। क्यों तपस्या का? क्योंकि इसी समय पर सारे कल्प का भाग्य अभी हमको जमा करना है। तो इसलिए समय को वैल्यू दो, एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं करो। व्यर्थ न व्यर्थ चिंतन, न व्यर्थ बोल और न व्यर्थ लेन देन। लेन देन में बहुत समय हमारा जाता है, तो ये सब हम अवॉइड करेंगे ना इससे, तो तभी हम समय पर तैयार हो सकेंगे और बाबा की आश को भी हम पूर्ण कर सकेंगे। तो एक तो तपस्या मुझे, एक तो समय को वैल्यू देंगे तभी हमको समय मिलेगा तपस्या करने। समय हम व्यर्थ करेंगे तो तपस्या नहीं। साधु सन्यासी तपस्या करने के लिए जंगल में गए तो हमको कुछ भी त्याग नहीं करना है, घर का कार्य भी, घर की जिम्मेवारी, लौकिक जिम्मेवारी समय पर कर लो तो आपको जरूर समय मिलेगा तपस्या का। कई कहते हमको इतना बंधन है हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, ये हम सभी का अनुभव है। जितना हम परिस्थितियों को, माना टीचर जो हमको पाठ सिखाया है वही क्वेश्चन देगा, उसे अलग क्वेश्चन थोड़ी आएगा पेपर में, नहीं ना, जो पाठ हमको पढ़ाया है वही क्वेश्चन रूप में हमको एग्जामिनेशन देना पड़ता है। तो बाबा को पता है, समय को पता है, मेरे में कितनी शक्ति है। जितना हमारे में शक्ति है ना, उतना ही परिस्थिति हमारे सामने क्रिएट होगी। इतना प्रॉब्लम्स मेरे सामने क्यों है? मैं इतनी शक्तिशाली हूँ इसलिए। रुस्तुम के साथ माया रुस्तुम बन करके आएगी, है ना, तो मैं इतनी शक्तिशाली हूँ इसलिए माया मेरे पास इतनी शक्तिशाली रूप में आई है। इतना परिस्थिति मेरे सामने क्यों आई है? वो परिस्थिति को सॉल्व करने के लिए शक्ति ऑलरेडी मेरे में है या नहीं है, तो तपस्या से हमको गेन करना है। तपस्या क्या है? बाबा की बाबा के साथ संबंध, बाबा में निश्चय, रामा में निश्चय, तपना है। तपस्या माना तपना, तपना माना परिवर्तन। अभी समय क्या कहते हैं? परिवर्तन का समय। तो स्वयं का परिवर्तन ही विश्व का परिवर्तन रहेगा। तो मुझे परिवर्तन होना है, मैं परिवर्तन होंगी तो विश्व। वो क्यों ऐसा करता है, ये क्यों ऐसा करता है, ये सब खत्म, ये सब बचपन की बातें हैं। छोटा बच्चा दूसरे को देख करके कॉपी करता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे ना उस दूसरे का नकल करता है छोटा बच्चा। हम छोटे बच्चे नहीं है, अभी हम ज्ञान में बुजुर्ग हो गए, तो इसलिए हमको अभी क्या करना है? तपस्या। चलो बाबा हमारा शिक्षक है, समय नहीं, समय से पहले हम तैयार होंगे। मीठे बाबा शक्तिशाली बनाकर समय से पहले तैयार होंगे। समय पर सब कुछ कर लेंगे, समय व्यर्थ नहीं गवाएंगे।
समय को सफल करेंगे। बाबा की याद में, सेवा में अपना सब कुछ सफल करेंगे। समय की पुकार जाना है तो तप तप करके अपने को पकाना है, आत्मा को परिवर्तन करना है, संस्कारों को परिवर्तन करना है, अपने स्वभावों को परिवर्तन करना है। सो हम
खुद को परिवर्तन करेंगे तो दुनिया परिवर्तन हो ही जाएगी। हम दूसरों को कहते ब्रह्मा कुमारियों का स्लोगन ही है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो स्व परिवर्तन में और अभी क्या क्या बाकी है तो वो सब चेक करने का समय अभी है। चेक करना और चेंज करना। बाबा ने कहा आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है उसी समय चेक करो उसी समय चेंज करो। तो जब चेंज होंगे तब हम मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। ये सिक्स्थ डे में हम कहते हैं ना रावण से मुक्त हो जाओ पांच विकारों से मुक्त बनो रावण का पिक्चर दिखाते हैं ना। तो सब बातों से मुक्त हो करके अभी हमको मुक्ति धाम जाना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति माना क्या है जीवन मुक्ति माना क्या है। मुक्ति माना जहाँ परम धाम में हम मुक्ति का अनुभव होता है क्या वहां पर। वास्तव में देखा जाए शांति धाम में हम सभी जाते हैं आत्माएं तो शांति धाम में सिर्फ आत्मा रहती है वहां शरीर होता है क्या। शरीर नहीं होता है वहां पर। तो कुछ भी हम अनुभव करने के लिए शरीर चाहिए। शरीर के बिना कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते। आत्मा वहां बिंदु रूप में परमात्मा के पास भी रहेगी ना शांति धाम में ही रहेगी परमात्मा के पास रहेगी सुख दुख से मुक्त रहेगी जन्म मरण से मुक्त रहेगी। उस स्टेज को कहते मुक्ति है ना। मुक्ति में वहां ना जन्म है ना मरण है ना एक्शन है क्योंकि वहां देह ही नहीं है तो एक्शन भी नहीं है और वहां ना दुख है ना सुख है का अनुभव ही नहीं है ना। दुख का अनुभव है ना सुख का अनुभव है ना शांति का अनुभव है लेकिन आत्मा परम धाम में है इसको कहेंगे मुक्ति से। वही दुनिया वाले चाहते हैं लेकिन बाबा हम बच्चों को संगम युग पर ही मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों वर्षा दे दिए। तो शरीर में रहते मुक्ति स्टेज का अनुभव हम करते आत्मा मुक्त है सभी बातों से मुक्त। आज देखिए सब कार्य से मुक्त होकर के बैठे फ्री है कोई चिंतन है कुछ है। मुक्ति स्टेज का अनुभव बाबा हमको कराता है। और जीवन मुक्ति माना जीवन में रहते सुख शांति की अनुभूति करना यह है जीवन। तो जीवन मुक्ति का अनुभव बाबा हमको कराते मुक्ति और जीवन। तो इसलिए कहते शांति धाम है मुक्ति सुख धाम है जीवन जीवन। तो सतयुग में शरीर के साथ रहेंगे तो सुख शांति की अनुभूति हम करते हैं तो मुक्ति और जीवन। ये मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए चाहिए तपस्या। जब हम तपस्या करके आत्मा को शुद्ध बनाएंगे पावरफुल बनाएंगे शक्तिशाली बनाएंगे तभी तो मुक्ति धाम जाएंगे। तो इसको कहते मुक्ति इसको कहते भट्टी। भट्टी माने कहते तपस्या तपना परिवर्तन होना। चलिए तपस्या करेंगे। योग तपस्या के बल से पावन युग फिर लाना है।
मैं आत्मा मुक्त हूँ, देह के भान से, देह के संबंधियों की स्मृति से, कर्म से, कर्म बंधन से, अब मैं मुक्ति का अनुभव कर रही हूँ। जीवन मुक्ति, मुझ आत्मा का लक्ष्य है। जीवन में रहते मैं आत्मा मुक्ति का मुक्ति, जीवन मुक्ति मेरा बर्थराइट है। मुझ आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आत्मा मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता,
दिन पॉइंट होता है धारणा के। कोर्स में हम सभी धारणा के बारे में लास्ट में सुनाते हैं, चार स्तंभों का, पवित्रता, शुद्ध आहार, दैविक उन्नति, धारणा और सत्संग, और फिर दैवी गुणों की धारणा, ये सब लास्ट में हम सुनाते हैं। ऐसे बाबा ने हम बच्चों को दैवी गुणों की धारणा करना सिखाया, तो बाबा ने हर एक में गुण देखने का सिखाया, हर एक में गुण देखो, अवगुणों को देखो। अवगुण कांटों के समान है, गुण फूलों के समान है, तो हर एक में कोई ना कोई विशेष गुण है ही है, ऐसा नहीं कि अवगुण ही है गुण नहीं। तो गुणों को देखते हुए गुणों को यूज करो, उन गुणों को बाबा की सेवा में यूज करो, तो क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो गुणों को जीवन में लाना है और हर एक के गुणों को देखना है, फॉलो बाबा को करना है, लेकिन हर एक में अच्छे गुण है। कई बार क्या होता है, हमारे हम जब दूसरों को देखने जाते हैं ना, उनका नेगेटिव ही हमको दिखाई देता है। अभी नेगेटिव के बारे में, इसलिए बाबा ने कई मुद्दों में बच्चों को बहुत अच्छा शिक्षा दिया है। अब एक मुद्दे आपने सुना होगा, बच्चों की नज़र, नज़दीक की नज़र कम है, दूर की नज़र अच्छा है। दूर की नज़र माना दूसरों को देखना, नज़दीक की नज़र माना खुद को देखना। तो अभी उसको हमें बदलना है, हम अपने को देखना है और अपने को बदलना है, दूसरों को देखना है ना, दूसरों के गुणों को देखना है। तो अभी गुणधारी बन करके दैवी गुणों की धारणा स्वरूप में हम आगे बैठेंगे। भोग अष्टम के रेडी दिया इधर आज मैंने भोग ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ ನನ್ಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು ಈ ಏಳು ದಿನದ ಕೋರ್ಸ್ದು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಮಾನದಲ್ಲೂ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಿರಣಗಳು, ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ತರ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದಿಂದ ಈ ತರ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಹಾಕ್ತಿಂದ ನಾನು ಬಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೆ.
ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ಸಿರ್ಬೇಕು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा ये पंक्ति. बहुत अशरीपन क्या महसूस हुआ मुझे. बहुत बहुत आनंद मिला. बहुत बहुत थैंक यू फॉर तुम समझ. ओम शांति. तो पंक्ति मैं इतना अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ही अच्छा लगा हमको. हमेशा सोनी बहन जी तो अच्छा कहते हैं, इस बार तो एक कदम ऊपर चले गए. मतलब ये आपका मेडिटेशन म्यूजिक और बीच में आपका कॉमेंट्री, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था. ये तो प्रोफेशनल मिल रहे बहुत बहुत धन्यवाद पापा को और सोनी बहन को. ओम शांति. अस्तु भट्टी बहुत बहुत सुंदर वाली है. ओम शांति. हम छोटेपन से देख रहे हैं. हम पहले आते थे ना, उसके समय से देख रहे हैं उनको, पेरेंट्स को, सभी को देख रहे हैं. बहुत आज अच्छा था. 7 डे कोर्स सभी को बताए, बहुत अच्छा था. जैसे बाबा आप बच्चों को बताते हैं कि अब ज्ञान सुनने या सुनाने का समय कम है, अब क्या है अनुभव करने का समय. तो बहन जी ने आज जो अनुभव हम सबको कराया, हमें पीछे बैकग्राउंड में ले गए, 7 डेज कोर्स रिवाइज कराया, तो इसके लिए बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद. बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद. रत्ना बहन जी का जो निमंत्रण बने हैं मैंने इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, थैंक यू सो मच. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. आज जो भक्ति हुई, जिसका अनुभव अपना अपना पर्सनल होता है, फिर भी ऐसी भक्ति फिर भी चलती रहेगी. भक्ति का उद्देश्य क्या है कि जो हम लौकिक में कितने भी बिजी रहेंगे, उसमें से डिटैच होके यहाँ आएंगे और यहाँ भी मन बुद्धि से डिटैच होने की अभ्यास ज़्यादा बढ़ाने के लिए भक्ति कराई जाती है. तो आज 7 दिन का जो कोर्स जैसा था, उसमें से हमको इतना अनुभव कराए रहे थे बेन जी ने, कैसे कैसे डिटैच होके उस स्वरूप में स्थित रहने का. तो पता आप सबको भी अनुभव क्या होगा कि डिटैच होके कैसे स्वरूप में बने. तो इसका अनुभव करवाया, इसलिए सोनी दीदी को हम उसे थैंक्स बोलेंगे. ओम शांति. ओम शांति. आज का जो अनुभव था भट्टी का, कई ऐसी बातें हैं उस भट्टी की जो हमने सुनी, वो हमें पहले से पता होती है. 7 डेज कोर्स की बात है, बस समय पर हमें याद नहीं आती है. तो आज दीदी ने बहुत अच्छा समझाया, तो सारी बातें हमारे मन बुद्धि में फिर से रिवाइज हो गई. और ऐसा लग रहा है जैसे आज सवेरे हमने पहले कुछ बाबा के वाक्य सुने थे कि संडे को सारे विश्व में लगभग छुट्टी होती है, तो आज संडे को अपनी सारी सर्व कमजोरियों को भी छुट्टी दे दो. तो आज ऐसा लग रहा है ये भक्ति करके ऐसा लग रहा है जब पिछले पूरे हफ्ते की क्या हुआ कि हमारी जो एनर्जी चली गई थी उसके लिए हम चार्ज हो गए और आगे आने वाले पूरे हफ्ते के लिए भी हम पूरी तरह से प्रिपेयर हो गए. तो आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ. हाँ, रिचार्ज हो गए. और आज जैसे हमारा बेंगलोर में हमारा ये पहला अनुभव था बच्ची का, बेंगलोर आज ज्यादा समय नहीं हुआ है हमें, तो बहुत अच्छा लगा दीदी का आज. बहुत बहुत धन्यवाद. दीदी से पहली बार मिलना हुआ है और सर को ब्राह्मण हाथ को लाख मोह को भी बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. ओम शांति. मैं तो सबसे पहले बोलूंगी हम लोग बहुत बहुत भाग्यशाली आत्मा है कि बाबा का हमको साथ मिला, यहाँ पे आके हमें भक्ति करने का मौका मिला, चांस मिला. इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी दीदियाँ हैं, इतनी सेवा करी. मैं यही सोच रही थी हम तो बैठ के भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अंदर दीदियाँ सेवा में लगी है. यहाँ पे दीदी फिर सेवा हो रही है उन लोगों की और हम तो आराम से भक्ति ही कर रहे हैं. और दीदी को मैं बहुत थैंक्स बोलूंगी कि बाबा का अनुभव कराया. सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू फॉर दैट. और
मेरी ये शुभकामना है कि इस सेंटर से बाबा की जो बाबा ने कहा है ना कि आगे चल के क्यों लगनी है, तो यहाँ से क्यों शुरू हो जाए, सेवाएं चले और बहुत बहुत यहाँ पे बाबा के जो वारिस बच्चे हैं वो आए यहाँ पे और अपना वर्षा ले बात से। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸೋನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. 1994 ಮೇ ಸೆಂಟರ್ ಡೋನ್ ಕೆ ಗಯ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ್ ಪುರಾಣ ಸೆಂಟರ್ ಕಥರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೇನ್ ಜಿ ಎ ಕೋರ್ಸ್ ದಿಯಾಜಿ इससे पहले से हमको कोर्स दिया क्लास करते थे क्या पूछा बाबा बोलने से मुझे कुछ भी नहीं पूछा बोलने के नहीं आते थे जाते जाते समझ जाते हैं थोड़ा सा कन्नड़ा बुक्स दिया वो पढ़ के वो 15-20 दिन में थोड़ा माइंड में बैठा खुशी होगा मैं क्या ढूंढती थी वो मुझे मिला ऐसा मुझे पक्का कर दिया मेरे लिए। Oh, yeah.